ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनकी नज़रें बद का असर हमारी चीज़ों पर, हमारी खुशियों पर होता है और हमारे कामों पर। अब बात करते हैं नज़रें बद से कैसे बचा जाए। पहली बात, अगर आप कोई काम करने वाले हैं तो उसका जिक्र कभी किसी दूसरे शख्स से ना करें जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। और अगर आप कभी भी किसी के साथ शॉपिंग पे जाएं तो उसके साथ लिमिटेड चीज़ें लें, इस तरह आपकी चीज़ें नज़र में नहीं आएंगी। और जितना हो सके पैसे कम से कम खर्च करें। और अगर आप किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो उसका जिक्र कभी भी दूसरे से ना करें, क्योंकि अगर आप कभी किसी को बताते हैं तो उसकी नज़रें बद की वजह से या तो आपका जाना कैंसिल हो जाएगा या शायद आपके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए जिसकी वजह से आप ना जा सकें। और अगर चले गए तो आप अपनी ट्रिप को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अपनी कामयाबी की वजह कभी से ना करें। अगर आप कोई जॉब करते हैं वो टेम्परेरी होती है तो इस बारे में किसी को ना बताएं जब तक कि वो परमानेंट ना हो जाए। अगर आप कुछ एक्सपेंसिव लेते हैं तो उसे शो ना करें। इन बातों पर अमल करके काफ़ी हद तक नज़र बद से बचा जा सकता है।